अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू पे। आज हमने लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, गुज़िश्ता क्लास में, वो हमने ज़बर, ज़ेर और पेश यानी हरकतों के बारे में पढ़ा था कि हरकतें लगाने से अल्फाज, हरूफ की आवाज़ कैसे तब्दील हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी हरूफ को जब अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है तो उसकी वो किस तरह पढ़ा जाता है। ठीक है, इस क्लास में आप मिला के हरूफ को मिला के सीखेंगे। जब हम किसी अलिफ को किसी हर्फ के साथ मिला देते हैं तो उसको कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहला हर्फ है इसमें अलिफ और उसके ऊपर लगा हुआ है मद। मद का क्या काम है? ये आ, बड़े आ की आवाज़ करता है यानी हर्फ की आवाज़ को खींचता है। तो अलिफ की जगह हम इसे पढ़ेंगे आ, और यहाँ पे अलिफ है, अलिफ के ऊपर ज़बर की हरकत है और बा खाली है, बा के साथ कुछ नहीं है, तो इसे हम पढ़ेंगे अब। और इसके अगला हर्फ है अलिफ और अलिफ के नीचे ज़ेर और बा खाली, तो इसे पढ़ेंगे इब। इससे अगला हर्फ है अलिफ, अलिफ के ऊपर पेश और बा खाली, तो इसे पढ़ेंगे उब। तो ये एक पूरा लफ्ज़ बन गया। फिर इसी तरह यहाँ पे अलिफ के ऊपर ज़बर और पा खाली, पे खाली, तो इसे पढ़ेंगे अप। और इसे इप, उप, अत, इत, उत, अट, इट, उट, अस, इस, उस, अज, इज, उज, अच, इच, उच, अख, इख, आह, इह, ऊ, अख, इख, उख, अद, इद, उद, अड, इड, उड, अज, इज, उज, अर, इर, उर, अड़, इड़, उड़, अज, इज, उज, अज, इज, उज, अस, इस, उस, अश, इश, उश, अस, अस, इस, उस, अज, इज, उज, अत, इत, उत, अज, इज, उज, आ, इ, उ, अग, इग, उग, अफ, इफ, उफ, अक, इक, उक, अक, इक, उक, अग, इग, उग, अल, इल, उल, अम, इम, उम, अन, इन, उन, अह, इ, उ। तो देखा आपने, जब हम अलिफ को किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं तो वो लफ्ज़ किस तरह पढ़ा जाता है। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि हरूफ को किस तरह पढ़ते हैं। अल्फाज जब बन जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलके अल्फाज बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अलिफ के साथ जब भी कोई हर्फ मिल जाता है तो उसकी आवाज़ कैसे निकलती है। जैसे यहाँ पे अलिफ है, अलिफ के ऊपर ज़बर है और सीन खाली है, तो इसे पढ़ेंगे हम अश। यहाँ पे अलिफ है, अलिफ के नीचे ज़ेर की हरकत है और शीन खाली है, तो इसे पढ़ेंगे इश। यहाँ पे अलिफ है, अलिफ के ऊपर पेश है और सीन के ऊपर शीन खाली है, तो इसे पढ़ेंगे उश। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी हरूफ हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अलिफ के ऊपर ज़बर है और जीम खाली है, तो इसे पढ़ेंगे अज। इसी तरह अलिफ के नीचे ज़ेर है और जीम खाली है, तो इसे पढ़ेंगे इज। इसी तरह अलिफ के ऊपर पेश है और जीम खाली है, तो इसे पढ़ेंगे उज। तो मैंने आपको इस तरह यहाँ पे ये पढ़ा दिया है, और इससे अगली वीडियो में हम बे के ऊपर पढ़ेंगे कि जब बे को किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं तो कैसे पढ़ा जाता है। तो आप सभी नाज़रीन से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने उन साथियों तक पहुँचाएँ जो उर्दू पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, ताकि सभी इससे फैज़याब हो सकें। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो बराए करम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।